हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यमी टमी रसोई। आज हम बना रहे हैं पनीर ब्रेड रोल्स। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। हमें बनाने के लिए चाहिए 4 से 5 उबले हुए आलू, ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमने 8 ली है, एक छोटी कटोरी मटर लिए हैं, हरी मिर्ची लिए हमने 2 बारीक कटी हुई, ये हमने सौंफ लिए 1 चम्मच, अमचूर पाउडर लिया है हमने 3/4 चम्मच, नमक लिया है हमने स्वाद अनुसार, एक छोटी कटोरी धनिया, ये हमने लिया है गरम मसाला 1/2 चम्मच, ये हमने लिए लाल मिर्ची 1 चम्मच और ये हमने फ्रेश पनीर लिया है 100 ग्राम। हमें इन सबको एक बोल में मिक्स कर लेना है अच्छे से। सारे सामान डाल लेंगे हम एक बोल के अंदर। सारा सामान हम डाल रहे हैं। पनीर को हमने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर कोई मोटे टुकड़े आ रहे हैं आलू के तो उनको हम दबा के थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेंगे, मैश कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हमने एक प्लेट ली है, एक किनोरी वाली प्लेट, जिसमें हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। हम ब्रेड लेंगे, उसकी किनोरी हटा देंगे। इसके जो किनारे हैं, जो ब्राउन कलर के होते हैं, उन्हें हम चाकू से हटा देंगे, साइड से काट देंगे। हम इस स्लाइस को पानी में डिप करेंगे आगे और पीछे से, फिर हम हथेली पे रख के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हाथ से दबा के, हथेली से दबा के पानी इसका निकाल देंगे। ये हम पानी निकाल दिए हैं इसका सारा। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे हमारा। इसमें हमने 1.5 चम्मच तक स्टफिंग भरा है। अब हम इसे फोल्ड करके राउंड या फिर ओवल शेप दे देंगे अपने हथेलियों से, हाथों से घुमा के थोड़ा सा हल्के हल्के प्रेस करेंगे हम इसको और हम इसे शेप दे देंगे। मैं इसे ओवल शेप दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ओवल शेप दे दिया है। इसी तरीके से हम हमारे सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे। हमें ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ज्यादा नहीं दबाना है इनको, क्योंकि ब्रेड फट भी सकती है अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो। इसलिए हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के हमें इनको तैयार करना है। ये लीजिए, हमने सारे ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं। ये जो ब्रेड के टुकड़े हैं, इनको हम ग्राइंड करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हमें ब्रेड रोल्स को तलना है, डीप फ्राई करना है हमें। हमको इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है, जब तक ये अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। इनमें अच्छा कलर आ रहा है, ये बहुत क्रिस्पी भी हो रहे हैं। ये हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे तेल से बाहर और ऐसे ही हम सारे ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा बैच भी रेडी है। ये देखिए, हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। हम हमारे ब्रेड रोल्स को केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना है और आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा ये सबको।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।